Hello friends, a warm welcome in my YouTube channel Tech Research with Dr. Urmila Rawat. यहाँ हमने एक शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो दिखाया जिसका विषय था रिसर्च एथिक्स क्या है. सो इस वीडियो में हमने रिसर्च एथिक्स क्या है वो बताने का प्रयास किया. नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन प्लेग्यारिज्म एंड हाउ टू अवॉइड प्लेग्यारिज्म. सो फ्रेंड्स प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. सो लेट्स स्टार्ट. टर्मिनोलॉजी प्लेग्यारिज्म. प्लेग्यारिज्म इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क एंड अटेम्प्टिंग to pass it off as your own. This can apply to anything from term papers to photographs to songs, even ideas. साहित्यिक चोरी किसी और के काम को चुराने और खुद के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है. यह किसी भी चीज पर लागू हो सकता है. टर्म पेपर से लेकर फोटोग्राफ और फोटोग्राफ से लेकर गाने तक यहाँ तक विचारों तक भी प्लेग्यारिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी पाई जाती है. टाइप्स ऑफ प्लेग्यारिज्म. फ्रेंड्स हम यहाँ साहित्यिक चोरी के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज क्लोन. तो क्लोन क्या है? क्लोन इज सबमिटिंग अनदर्स वर्क वर्ड टू वर्ड एज ओन्स वंस ओन. यानी कि किसी दूसरे के काम को शब्द से शब्द अपना स्वयं के रूप में प्रस्तुत करना. सेकेंड वन इज कॉपिंग अर्थात नकल करना. फ्रेंड्स द मोस्ट एंड वेल नोन sadly the most common type of plagiarism is the simplest copying. Means if you copy someone else's work and put your name on it then you have plagiarized. Friends kehne ka matlab hai ki sabse prasiddh aur dukh ki baat hai sabse samanya prakar ka yah sahityik chori जो सबसे सरल है यानी कि नकल करना. यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के काम की नकल करते हैं और उस पर अपना नाम डालकर उसे प्रस्तुत करते हैं तो आपने साहित्यिक चोरी की है. सो इन सिंपल टर्म्स इट इज कंट्रोल सी. थर्ड वन इज पैराफ्रेजिंग यानी कि सांकेतिक शब्दों में बदलना. This occurs when the plagiarizer paraphrases or summarizes another work without citing the source, even changing the words a little or using synonyms but retaining the author's essential thoughts, sentence structure and or style without citing the source is still considered as plagiarism. Friends, ये प्रकार का प्लेग्यराइज तब होता है जब साहित्यिक चोरी करने वाले स्रोत का बिना उद्धरण के किसी दूसरे के काम को परिभाषित या सामांजित करते हैं. यहाँ तक कि शब्दों को थोड़ा बदलना या समानार्थी शब्द का उपयोग करना. लेकिन लेखक के आवश्यक विचारों वाक्य संरचना और शैली को स्रोत का हवाला दिए बिना ही रखना या उसे प्रस्तुत करना यह भी साहित्यिक चोरी माना जाता है. एंड फोर्थ वन इज पेच वर्क यानी कि धपला. दिस टाइप ऑफ प्लेग्यारिज्म इज सिमिलर टू कॉपिंग एंड इज परहैप्स द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग्यारिज्म like patchwork plagiarism. This occurs when the plagiarizer borrows the praises and
clues from the original source and weaves them into his own writing without putting the phrases in quotation marks or citing the author. अर्थात इस प्रकार के साहित्यिक चोरी नकल के समान है जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, और शायद साहित्यिक चोरी का दूसरा सबसे आम प्रकार है यानी कि पेचवर्क साहित्यिक चोरी। यह तब होता है जब साहित्यकार वाक्यांशों और मूल स्रोत से खंड लेता है यानी कि कुछ पोर्शन लेता है और उन्हें अपने स्वयं के लेखन में वाक्यांशों को लेखक के उद्धरण चिन्हों में डाले बिना ही उसे अपने शब्दों में बुनता है। द फिफ्थ वन इज फाइंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स चेंजिंग कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस बट रिटेनिंग द एसेंशियल कंटेंट ऑफ द सोर्स, यानी कि प्रतिलिपि की गई सामग्री में सबसे सामान्य कीवर्ड और वाक्यांशों को बदलना और आवश्यक दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं करना। इस प्रकार की साहित्यिक चोरी फाइंड एंड रिप्लेस कहा जाता है। देन सिक्स वन इज रिमिक्स। दिस फॉर्म ऑफ प्लेग्यारिज्म टेक्स अ रेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस that touch on the same content and presents the ideas together as your own analysis without citation. The wording will be slightly changed or perhaps even paraphrased accurately, but lack of citation presents the material falsely. Friends, साहित्य चोरी का यह रूप विविध स्रोतों से सामग्री की एक श्रृंखला लेता है जो एक ही सामग्री पर स्पर्श करते हैं यानी कि एक ही सामग्री को टच करते और विचारों को अपने स्वयं के विश्लेषण के रूप में बिना उद्धरण के प्रस्तुत करते हैं। मीन्स शब्दांकन को थोड़ा बदल दिया जाएगा या शायद सटीक रूप से परिमार्जन किया जाएगा, लेकिन उद्धरण की कमी सामग्री को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। Then seven one is recycle, यानी कि पुनरावर्ती करना। फ्रेंड्स, इस प्रकार का प्लेग्यारिज्म सेल्फ प्लेग्यारिज्म भी कहा जाता है। तो सेल्फ प्लेग्यारिज्म इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज recycling or reusing one's own specific words from previously published texts. While it doesn't cross the line of true theft of others' ideas, it nonetheless then create issues in the scholarly publishing world. अर्थात अपने ही कार्यों को फिर से दोबारा यूज करना, मीन्स स्व साहित्यिक चोरी को आमतौर पर पहले से प्रकाशित ग्रंथों से अपने स्वयं के विशिष्ट शब्दों को पुनः उपयोग करना या पुनः उपयोग करने के रूप में वर्णित किया जाता है। हालांकि यह दूसरों के विचारों की सच्ची चोरी की रेखा को पार नहीं करता है, फिर भी यह विद्वानों के प्रकाशन की दुनिया में समस्या पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि हमारे स्वयं के कार्य को अगले प्रकाशित होने वाले कार्य में हमें फिर से वर्डिंग बदल के प्रोड्यूस करना, तो यह साहित्यिक चोरी नहीं है, फिर भी विद्वानों के संपर्क में इसे साहित्यिक चोरी यानी कि सेल्फ प्लेग्यारिज्म भी कहा जाता है। देन एट वन इज हाइब्रिड प्लेग्यारिज्म, यानी कि वर्ण संकर मिस मिलाया हुआ, किसी दो प्रजाति को मिलाकर करने वाला कार्य जो हाइब्रिड कहा जाता है। इस तरह लिटरेचर में भी ऐसा देखा जाता है। इस पिक्चर को देखकर आपको
थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा कि टाइगर और लायन दोनों के बॉडी को मिलाकर इस प्रकार का एक नया ही वर्क प्रस्तुत करना। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड प्लेगियरिज्म, परफेक्टली साइटेड सोर्सेस डॉक्यूमेंट्स आर कॉपीड एंड अरेंज्ड एज अ न्यू डॉक्यूमेंट विदाउट साइटेशन। मीन्स हाइब्रिड साहित्य चोरी बिल्कुल सही उद्घृत स्रोत दस्तावेजों की नकल की जाती है और उन्हें बिना उद्धरण किए नए दस्तावेज के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम किसी और के रिव्यू को, आर्टिकल को यूज़ तो करते हैं, परंतु उसको परफेक्टली साइटेशन दे सकते नहीं है, या तो हम उससे साइटेशन देने का प्रयास नहीं करते हैं। देन नाइन्थ वन इज मैशअप प्लेगियरिज्म, यानी कि मिक्स करना। तो मैशअप, व्हेन द रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉपीड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स एंड ऑल आर मिक्स टुगेदर विदाउट एनी प्रॉपर साइटेशन, देन इट इज कॉल्ड मैशअप काइंड प्लेगियरिज्म। अर्थात जब लिखित दस्तावेज को एक से अधिक स्रोतों से कॉपी किया जाता है और सभी को बिना किसी उचित उद्धरण के मिलाया जाता है, तो इसे मैशअप तरह का साहित्यिक चोरी भी कहा जाता है। देन 404 एरर प्लेग्यारिज्म, यानी कि त्रुटि। मीन्स 401 एरर, अ पर्सन क्रिएट्स अ डॉक्यूमेंट बाय कॉपिंग फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड प्रिपेयर्ड एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट विद द साइटेशन, बट इफ द साइटेशन इज इनएक्यूरेट और इट विल लेड टू नॉन एग्जिस्टिंग सोर्सेस, देन इट विल बी कॉल्ड 404 टाइप्स ऑफ प्लेगियरिज्म। अर्थात फ्रेंड्स, यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी पब्लिकेशन से आर्टिकल उठाते हैं, उसमें से कॉपी करते हैं, परंतु उस सोर्स को इनएक्यूरेट साइटेशन देते हैं। तो अगर हमारे पीछे आने वाले कोई भी रिसर्चर वो सोर्स को ढूंढने जाते हैं तो वहाँ एरर आ जाती है 404। तो 404 त्रुटि मीन्स इसमें एक व्यक्ति विभिन्न स्रोतों से कॉपी करके एक दस्तावेज बनाता है और एक नकल दस्तावेज के रूप में तैयार करता है, लेकिन अगर प्रशस्ति पत्र गलत है, यानी कि संदर्भ गलत दिया गया है, या यह संदर्भ गैर मौजूदा संसाधनों को बढ़ावा देगा, तो इसे 404 प्रकार के साहित्यिक चोरी कहा जाएगा। देन एग्रीगेटर प्लेग्यारिज्म, एग्रीगेटर द रिटन डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर साइटेशन बट इट डज नॉट कंटेन ओरिजिनल वर्क, देन इट इज कॉल्ड एग्रीगेटर प्लेग्यारिज्म। अर्थात लिखित दस्तावेज में सभी उचित उद्धरण शामिल है लेकिन उसमें मूल कार्य नहीं है, तो उसे एग्रीगेटर साहित्यिक चोरी कहा जाता है। देन रीट्वीट प्लेग्यारिज्म, अर्थात इफ ऑल द डॉक्यूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट सिम्स परफेक्ट विथ प्रॉपरली साइटेड मार्क बट स्टील द डॉक्यूमेंट रिसेम्बल समवेयर द ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रक्चर और वर्डिंग्स, देन इट इज कॉल्ड रीट्वीट प्लेग्यारिज्म। अर्थात यदि सभी लिखित दस्तावेज ठीक से उद्धृत यानी कि संदर्भ दिया जाएगा, फिर भी दस्तावेज मूल पाठ की संरचना या शब्दांकन से कहीं मिलता है तो उसे पुनः ट्वीट यानी कि रीट्वीट साहित्यिक चोरी कहा जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस ऑल टाइप्स ऑफ प्लेग्यारिज्म डन बाय इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, लेट्स डिस्कस इट। फ्रेंड्स, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लेग्यारिज्म हमने बताए वो
इरादा पूर्वक यानी कि जानबूझकर या अनजाने में किया जाता है। तो इस प्रकार के प्लेग्यारिज्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट वन इज इंटेंशनल, अर्थात कॉपिंग अ फ्रेंड्स वर्क, बाइंग और बोरोइंग पेपर्स, कटिंग एंड पेस्टिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस विदाउट डॉक्यूमेंटिंग, मीडिया बोरोइंग विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, देन वेब पब्लिशिंग विदाउट परमिशन ऑफ क्रिएटर्स। तो इस प्रकार के कार्य इंटेंशनल किया जाएगा। देन अनइंटेंशनल मीन्स केयरलेस पैराफ्रेजिंग। देन सेकेंड वन इज पुअर डॉक्यूमेंटेशन, कोटिंग एक्सेसिवली और फेलियर टू यूज योर ओन वॉइस। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में एक्सक्यूजेस देखा जाए तो दिस असाइनमेंट वॉज बोरिंग, देन इट्स ओके इफ आई डोंट गेट गॉड, देन आई वॉज टू बिजी टू राइट दैट पेपर। इसमें हम क्या क्या एक्सक्यूजेस बताते हैं, तो हमारे पास जॉब है, बिग गेम है, एंड टू मच होमवर्क आई हैड टू डन एट होम, देन माई टीचर एक्सपेक्ट टू मच, देन अनदर एक्सक्यूजेस आई हैव गॉट टू गेट इन टू, देन एवरी वन डज इट, सो सब लोग यही करते हैं, तो मैं करता हूँ तो क्या, देन माई पेरेंट्स एक्सपेक्ट्स, मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अनइंटेंशनल प्लेग्यारिज्म क्या है? अनइंटेंशनल प्लेग्यारिज्म इज नॉट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट फॉर समवन एल्स आइडियाज, रिसर्च और वर्ड्स, इवन इफ इट इज नॉट इंटेंशनल टू प्रेजेंट देम एज योर ओन, इवन इफ इट वॉज नॉट इंटेंशनल, इट इज स्टिल प्लेग्यारिज्म एंड नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सीडेंटली फेलिंग टू साइट योर सोर्सेस करेक्टली। फ्रेंड्स, अनजाने साहित्यिक चोरी किसी और के विचारों, अनुसंधान या शब्दों के लिए उचित श्रेय नहीं दे रही है, भले ही यह जानबूझकर अपने रूप में पेश करने के लिए नहीं था, भले ही यह जानबूझकर नहीं था, यह अभी भी साहित्यिक चोरी है और जो स्वीकार्य नहीं है। गलती से अपने स्रोतों को सही ढंग से उद्घृत करने में भी विफल होना, तो ये सारी बातें अनइंटेंशनल प्लेग्यारिज्म कहा जाएगा। देन इंटेंशनल प्लेग्यारिज्म, इंटेंशनल प्लेग्यारिज्म इज एन एस्पेशली इगरियस ऑफेंस, सिंस इट बाय डेफिनेशन इज कमिटेड डेलिब्रेटली, यूजुअली विथ एन अवेयरनेस दैट इट वायोलेट्स एकेडमिक इंटीग्रिटी गाइडलाइंस। इंस्ट्रक्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टेक केसेस ऑफ अनइंटेंशनल प्लेग्यारिज्म एक्सट्रीमली सीरियसली, इन पार्ट बिकॉज दे फाइंड दिस टाइप ऑफ ब्लैंड चीटिंग ऑफेंसिव टू द इंटीग्रिटी ऑफ देयर क्लासरूम एंड द इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, जानबूझकर साहित्यिक चोरी एक विशेष रूप से अहंकारी अपराध है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार यह जानबूझकर किया जाता है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो आम तौर पर एक जागरूकता के साथ यह शैक्षणिक अखंडता दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है, फिर भी प्रशिक्षक और प्रशासक जानबूझकर साहित्यिक चोरी के मामलों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि वे इस प्रकार की जबरदस्त ठगी को अपनी कक्षाओं और संस्थाओं की अखंडता के लिए अपमानजनक मानते हैं। सो जब भी हम किसी साहित्यिक कार्य करते हैं या लिटरेरी रिसर्च पब्लिश करते, तो उससे पहले हमें श्योर हो जाना चाहिए कि
डू आई हैव साइट एवरीथिंग, यानी कि मैंने जो भी लिखा है, जो कार्य जहाँ से लिया है उसे मैंने प्रॉपर से साइटेशन दिया है कि नहीं, ये श्योर कर लेना चाहिए। देन हुर्रे फॉर कॉमन नॉलेज, मीन्स अगर हम लोग कहीं पर फ्री हो जाते तो फ्री हो जाने वाले किससे कौन से है, तो कॉमन नॉलेज। फैक्ट्स दैट आर वाइडली नोन, और अर्थात व्यापक रूप से जो ज्ञात तथ्य है वो, या इंफॉर्मेशन और जजमेंट कंसिडर्ड कॉमन नॉलेज, मीन्स सूचना या निर्णय जो सामान्य ज्ञान माना जाता है उसे हमें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट हैव टू डॉक्यूमेंटेड। सो फ्रेंड्स, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट वन इज जॉन एडम्स वॉज अवर सेकेंड प्रेसिडेंट, देन द जापानीज अटैक्ड पर्ल हार्बर ऑन डिसम्बर 7, 1941। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो कॉमन नॉलेज में है, यानी कि ज्ञात तथ्य है। और फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ऐसे ट्रूथ को हमें साइटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल दे तो द अर्थ राइज, देन इफ यू सी अ फैक्ट इन थ्री और मोर सोर्सेस एंड यू आर फेयरली सर्टेन योर रीडर्स ऑलरेडी नो दिस इंफॉर्मेशन, इट इज लाइकली टू बी अ कॉमन नॉलेज, बट व्हेन इट डाउट साइट। फ्रेंड्स, प्लीज साइट द डॉक्यूमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो नो नीड टू डॉक्यूमेंट व्हेन, कहाँ हमें डॉक्यूमेंट या साइटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर डिस्कसिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस, मीन्स कंप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च फ्रॉम साइंस एक्सपेरिमेंट, अर्थात यू आर यूजिंग कॉमन नॉलेज। सो फ्रेंड्स, ये सारे डिस्कशन के बारे में हमें पता चलता है तो बाद में हमारे मन में क्वेश्चन आता है, सो व्हाट्स द बिग डील, इफ आई चेंज अ फ्यू वर्ड्स देन आई एम ओके, राइट? नो, यू आर रॉन्ग। पैराफ्रेजिंग ओरिजिनल आइडियाज विदाउट डॉक्यूमेंटिंग योर सोर्स इज प्लेग्यारिज्म टू। सो फ्रेंड्स, प्लेग्यारिज्म के बारे में हमने ये सारी जानकारी दी है, सो प्लेग्यारिज्म से बचने के लिए क्या ट्रिक्स है? तो फ्रेंड्स, हम मैंने यहाँ कुछ ट्रिक्स बताई है। तो फर्स्ट वन इज अवॉइड प्लेग्यारिज्म इज क्वाइट सिंपल, द बेस्ट मेथड फॉर अवॉइडिंग इज, इट इज टू सिंपली बी ऑनेस्ट। फर्स्ट वन इज बी ऑनेस्ट, व्हेन यू हैव यूज्ड अ सोर्स इन योर पेपर योर रिसर्च वर्क, गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, एक्नोलेज द ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क यू हैव यूज। तो फ्रेंड्स, साहित्यिक चोरी से बचना काफ़ी सरल है, और इससे बचने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है कि आप ईमानदार रहे। जब आपने अपने पेपर में कोई स्रोत का उपयोग किया है तो आपके द्वारा उपयोग किए गए मूल कार्य के लेखक को स्वीकार करें और मूल लेखक को यह श्रेय दें कि कहाँ से यह प्रशस्ति लिया गया है। द सेकेंड ट्रिक इज अनदर वे टू अवॉइड प्लेग्यारिज्म इज टू यूज योर ओन वर्क एज ओपन पॉसिबल, कोटिंग एंड साइटिंग सोर्सेस इज यूजली रिक्वायर्ड एंड वेर इनवाइटेबल वेन डूइंग रिसर्च, दैट्स हाउ
you back up your own work, but using someone else's work excessively can be construed as plagiarism. अर्थात साहित्यिक चोरी से बचने का एक और तरीका है कि आप जितनी बार संभव हो अपने काम का उपयोग करें और शोध करते समय संदर्भ उद्धृत करना आमतौर पर आवश्यक और अनिवार्य है। यह है कि आप अपने काम को बैकअप कैसे करते हैं, लेकिन किसी और के काम का अत्यधिक उपयोग करने को फिर भी साहित्यिक चोरी माना जा सकता है। द थर्ड ट्रिक इज अनदर वे टू इट इज टू कोट एंड साइट योर सोर्स प्रॉपरली। इसका दूसरा तरीका है कि आप अपने स्रोतों को ठीक से उद्धरण करें। द फोर्थ ट्रिक इज इन ऑर्डर टू प्रॉपरली कोट योर सोर्सेस यू शुड कंसल्ट द स्टाइल मैनुअल दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिसर्च। इन मोस्ट केसेस योर प्रोफेसर विल टेल यू विच स्टाइल मैनुअल वुड बी प्रीफर्ड। इफ योर प्रोफेसर डजंट इंडिकेट विच मैनुअल टू यूज बी श्योर टू आस्क। अर्थात अपने स्रोतों को ठीक से उद्धृत करने के लिए आपको स्टाइल मैनुअल से परामर्श करना चाहिए जो अनुसंधान के लिए उपयुक्त होगा। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस इंस्टीट्यूट से आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे कि कौन सी शैली या स्टाइल मैनुअल पसंद किया जाएगा। यदि आपका प्रोफेसर संकेत नहीं करता है तो किस मैनुअल का उपयोग करना है वो आप प्रोफेसर से पूछकर ही सुनिश्चित करें। देन फिफ्थ ट्रिक इज यूज स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल फॉर साइटेशंस लाइक MLA, APA एंड शिकागो। उद्धरण के लिए मानक संदर्भ शैली का ऑलवेज इस्तेमाल करें। फर्स्ट वन इज APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इज यूज्ड बाय एजुकेशन साइकोलॉजी एंड साइंसेस। सेकेंड वन इज MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल इज यूज्ड बाय द ह्यूमैनिटीज। एंड थर्ड वन इज शिकागो, तर्बेयन स्टाइल इज जनरली यूज्ड बाय बिजनेस हिस्ट्री एंड द फाइन आर्ट्स। सो